हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैट टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और आई थिंक आपने खूब जमकर होली खेली होगी और इसका असर आपके बालों पे भी काफ़ी बुरा पड़ा होगा। और फ्रेंड्स, होली जो कलर्स होते हैं, होली के कलर्स होते हैं, उनमें सिंथेटिक कलर्स होते हैं और जिसमें ऑक्सीडाइज्ड मेटल्स होता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं काफ़ी रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनमें कोई भी शाइनिंग नहीं रहती है। तो आज मैं होली में ख़राब हुए बालों को ठीक करने का एक पैक लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए वो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शहद लेना है। मैं यहाँ पे पतंजलि का शहद ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल ले रही हूँ और डाबर कंपनी का ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग ले रही हूँ। अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है तो आप दो एग यहाँ पे लीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून थिक कर्ड ले रही हूँ। आपके अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा लंबी है तो आप 4 to 5 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। तो चलिए पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग को, आपको होल एग लेना है यानी कि एग योग एंड एग वाइट दोनों आपको लेना है। इसके बाद आप लगभग इसमें 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल डालेंगे और अगर बालों की लेंथ लंबी है तो 2 to 3 स्पून आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून शहद डालूंगी। अगेन आपके बालों की लेंथ लंबी है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। और इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून थिक कर डालूंगी। और इसके बाद आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा कि कोई भी चीज़ आपको अलग ना दिखे, सारी चीज़ आपको एक क्रीम पेस्ट में दिखे कि ये बिल्कुल क्रीम जैसा है। फ्रेंड्स, मैं इसमें कस्टर्ड ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वह बालों में वृद्धि करता है, पतले हो रहे बालों को घना करता है, सूखे बालों को पोषण और उन्हें चमक प्रदान करता है। अगर किसी की सिर की त्वचा में सूखापन है तो उसे भी काफ़ी हद तक दूर करता है और स्वस्थ बनाता है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि शहद हमारे बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। शहद रूखे और बेजान हो रहे बालों में नमी भरता है और जिन लोगों की स्कैल्प पे रूसी है या फिर खुजली है उसको बहुत अच्छे से दूर करता है और उसमें काफ़ी हद तक आराम भी देता है। और फ्रेंड्स, दही मैं इसमें इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स दही जो है वो एक बालों का प्राकृतिक कंडीशनर है। अगर आप कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप रेगुलर वे में कंडीशनर की जगह दही का यूज़ करिए, वो बहुत ही आपके डीपली आपके बालों को कंडीशनर करेगा और एक शाइनिंग प्रदान करेगा। तो इसीलिए मैं इन सारे चीज़ों को कंबाइंड करके एक पैक बनाया है। और फ्रेंड्स, ये पैक बहुत ही हेल्दी है आपके बालों के लिए, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और आपको इस पैक को अपने बालों पे लगाना है, 30 मिनट तक लगाना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश करिए और हो सके तो कंडीशनर को अवॉइड करिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें दही मिला हुआ है। तो इस पैक को लगाइएगा ज़रूर क्योंकि जो भी हमारे बालों में कलर अंदर गया है और जिसकी वजह से हमारे बाल काफ़ी देखने में बेजान रूखे से और रफ हो गए हैं, ये एक ही यूज़ में आपके बालों को बहुत अच्छी शाइनिंग देगा, बहुत ही मजबूत बनाएगा। और जो आपको छूने में अपने बाल नहीं अच्छे लगते हैं वो छूने में आपको अपने बाल काफ़ी अच्छे लगेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। और फ्रेंड्स, इसे आपको अपने स्कैल्प पे लगाना है और पूरे बालों पे यानी कि बालों के नीचे तक लगाना है। तो ये देखिए मेरे पहले हुए बालों को, यानी जब मैंने कलर खेला था बहुत अच्छे से तो मेरे बाल काफ़ी ड्राई हो गए थे और इस पैक को लगाने के बाद मेरे बाल ये हो गए हैं।